यहाँ पर हम 2016 का आरआरबी जेई का कुछ क्वेश्चंस हैं जो आए हुए थे, वो हम देखते हैं यहाँ पर। जैसे कि थोड़ा जीके क्वेश्चन देखते हैं और रीजनिंग के क्वेश्चन भी देख लेते हैं इसमें। विच स्टेट डिड द एंशियंट किंगडम ऑफ कामरूप, कामरूप है वो कहाँ का शासक था? कामरूप, तो कामरूप कहाँ का शासक था ये तो हम बता देते हैं यहाँ पर। यहाँ से हम थोड़ा सा इसको तो हटा देते हैं, ठीक है अभी सही है। कामरूप कहाँ का शासक था? कामरूप जो शासक था वो था असम का। आफ्टर अलाउंग डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन मार्केट प्राइस, किशोर मेक्स प्रॉफिट ऑफ 12%। व्हाट परसेंटेज मार्केट प्राइस अबव द कॉस्ट प्राइस? मतलब उसने 20% का डिस्काउंट दिया, उसके बाद भी उसको 12% का लाभ हो रहा है। तो मतलब 100 रुपये की चीज़ थी, उस पर 20% उसने डिस्काउंट दिया, मतलब 80 रुपये की बेची, ठीक है। फिर भी उसको प्रॉफिट कितने को हो रहा है? 12% का, मतलब 112/100, ठीक है। मतलब हम कह सकते हैं 80 × 100/112 ये होगा। इससे कुछ आ रहा है क्या वैल्यू? 4 से काटे 4 दुनिया 8, 8 तो भुगत 20 बार कटेगा, 4 से 5 बार और 4 से 7 बार, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि मार्क प्राइस है कॉस्ट प्राइस से कितनी ज्यादा रखे। अगर 40% रखेंगे, ऑप्शन ले लेते हैं, 40% रखेंगे, मतलब 140 रखा, तो 140 पे अगर 20% डिस्काउंट देंगे तो 80/100, क्या 14 × 112 होता है, 8 × 32 लगे 3, 112 होता है, मतलब 40% हमारा आंसर सही रहेगा। नेक्स्ट हम देखें, ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करना है, देखिए तो देख 15/2, 2 ऊपर चला जाएगा 6/15 हो जाएगा, प्लस 32 × 22/7, 21/22 हो जाएगा, ठीक है। 22 और 15 ऐसे हम ले सकते हैं, 15 × 22, ठीक है। 22 छिगी यहाँ पर आ जाएगा कुछ, कितने बार आज लगे एक, मतलब 132, प्लस 15 × 21, 15 × 1 = 50, आज लगे 1 15 30 31, 315। अभी देखिए ये कितना हो गया, 7 4 4 4 4 7 / 15 × 22, तो नीचे 11 आएगा, 7 आएगा, 11 आ सकता है। तो सिंप्लीफिकेशन से ढंग से हुआ नहीं है इसका, सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो आंसर आएगा एक सही 4/11। देखिए सिंप्लीफिकेशन कर कैसे सकते, 7 × 14, 1 15/2, 2 ऊपर चला जाएगा, मतलब 6/15, 22/7, तो 21/22 हो जाएगा। करना तो वैसे सॉल्व करना पड़ेगा। कोई तरीका नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4/1 सही 4/11 आंसर आ जाएगा, इसका सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए सम बॉयज एंड सम गर्ल आर स्टैंडिंग इन रो, एक रो में कुछ बॉय और कुछ गर्ल्स है खड़े हैं। पहली लड़की है, उसके बाद में लड़का आएगा, मतलब गर्ल्स बॉय इस तरीके से आएगा। दी सेकंड बाई टू बॉय, और सेकंड लड़की है, उसके बाद में दो लड़के आएंगे,
और इस तरीके से तीसरी के बाद में तीन लड़के आएंगे, तो इस तरीके से बोल रहा है कि 35 लड़के हैं तो लाइन में गर्ल कितनी होंगी। अब 35 लड़के हैं तो 35 मतलब 1 2 3, इस तरीके से टोटल 35 आ रहा है। वैसे वाला फार्मूला लगा देंगे, ए पहला अंक है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो ए प्लस एन माइनस वन, एन माइनस वन हमें निकालना है, इंटू डी की वैल्यू 1 है, ये कितना है 35 दे रखा है, तो एक प्लस एन माइनस वन क्या हो जाएगा, यहाँ पर 35 योग आ रहा है, मतलब 1 2 3, तीनों का योग कितना होता है 6 हो रहा है, तो 6 कैसे आया, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एन माइनस वन क्या 3 माइनस 1 इंटू डी, कुछ आएगा नहीं, एस एन इक्वल टू ए प्लस ऐसे आ सकता है, समीशन हमें निकालना है एन इंटू एन प्लस वन बटे टू, 3 इंटू 4 बटे 2, ठीक है, तो एन तो हमें पता नहीं है, एन प्लस वन बटे टू इक्वल टू 35, यानी एन इंटू एन प्लस वन 35 आ रहा है, 35 दूनी 70 आ रहा है, 70 कब आ सकता है, 70 का भी कोई लॉजिक समझ नहीं आ रहा, क्या है 70, यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा हाउ मेनी बॉय, लाइन के अंदर बॉय कितने हैं, 5 और 7 तरह के बीच में कितने बॉय हैं, 5 एंड 17, हाउ मेनी बॉय आर देयर बिटवीन पोजिशन 5 एंड 17, 5 और 17 के बीच में कितने बॉयज हैं वो हमें निकालना है, तो ये आएगा 8, कैलकुलेट करेंगे तो इसी में से 4 5 क्वेश्चन पूछे गए, हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर, गर्ल्स कितनी है यहाँ पर, 7 गर्ल्स है, क्योंकि टोटल 35 योग होना चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6 7, उनका योग 35 आ गया होगा, देखिए 5 4 9 1 10, 7 3 10, 6 2 8, मतलब 38 हो रहा है, तो 3 3 6 6 4 10, 5 15 15 से 21, 21 7 28, 28 और 8 34 36, तो गर्ल्स यहाँ पर 7 रहेंगी। हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर बिटवीन पोजिशन 21 एंड 30, 21 और 30 के बीच में लड़कियों की संख्या जो है यहाँ पर एक ही रहेगी। इन विच ईयर वाज दी वर्लिन वॉल डिमोलाइज्ड, तो वर्लिन की जो वॉल है डिमोलाइज्ड कौन सी ईयर में की गई थी, 1989 में इसको डिमोलाइज किया गया था। इस सोल्ड साइकिल फॉर 3480 एट 20% प्रॉफिट, तो कॉस्ट प्राइस कितनी होगी, तो प्रॉफिट कम आया तो 3400 कम होगी, होगी 3400 कम, ऑप्शन रहेगा ही रहेगा,